दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि जितना सारा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू रेगुलर देता हूँ, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए मैंने बाय और सेल लेवल का भी वीडियो बनाता हूँ। तो इस आप लोग इस वीडियो को इसमें सब्सक्राइब करेगा तो आप लोग सब लोग नोटिफिकेशन सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, ये मैंने एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पज़ बनाता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी कुछ शेयर करता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने थोरली एनालिसिस करता हूँ जितना सारा इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस हो सके। तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आप लोग मतलब अच्छा होगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट इधर ओपन किया हूँ। तो ये निफ्टी 50 अभी रिट्रेस कर रहा है, ये रिट्रेस करके 38.2% के तरफ आने का कोशिश कर रहा है। ये इसका नीचे जाने का, ये 38.2% के नीचे फिबोनाची लेवल के नीचे मतलब 11725 के नीचे जाएगा। तो ये 11600 तक आ सकता है, उसके बाद ये 11500 तक आ सकता है, उसके बाद ये 11400 ये इसके बाद ये 11300, उसके बाद 11000 तक 11100 या 11000 तक आ सकता है। तो अभी इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 11700 तक ही आ सकता है, 11700 या 11650 तक ये आ सकता है। मैंने अगला वीडियो भी बोला था अभी कि निफ्टी नीचे जाने का चांस है, तो क्योंकि अभी ये इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, मैंने निफ्टी बैंक का दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर भी मैंने फिबोनाची लेवल को लगाया है, ये भी रिटेस्ट कर रहा है, ये 30,000 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये 30,500 में 500 के तरफ आ रहा है, 30,500 के नीचे अभी आज गया था, तो 30,340 तक आया था। ये 61.8% में एग्जैक्टली 61.8% में ये सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन ऊपर जाके क्लोज हुआ। इसके बाद ये 29,973 में आ सकता है, उसके बाद ये 29,500 तक आ सकता है, उसके बाद 11,997 तक आ सकता है। चार्ट भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है, देखिए मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी नीचे आके ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा सा नीचे आने का पॉसिबिलिटी है, और निफ्टी का इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो इसका फिबोनाची मैंने 21 नवंबर का लेता हूँ, 11870 में क्लोज दिया है। इसका पीसीआर रेशियो 1.02 है। इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 11900, उसके बाद 12000 में इसका रेजिस्टेंस है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और 11800 में इसका सपोर्ट है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और दोनों साइड में आईवी पॉजिटिव मतलब गिरा गया है, दोनों साइड में आईवी कम हो गया है। तो मतलब फर्स्टली तो बड़ा मूवमेंट नहीं देखने के मिलेगा, साइडवेज मूवमेंट मिलेगा। सेकेंडली ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है दोनों तरफ, और आई भी गिर रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और बैंक निफ्टी का देखेंगे तो इसका सॉरी ये 21 नवंबर ये इसका पीसीआर रेशियो 0.85 है, या इसमें 0.75 से 0.1 तक ये साइडवेज मूवमेंट होता है, और इधर रेजिस्टेंस है 31,000 में, इधर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और इधर 30,500 में इसका
सपोर्ट है इधर 30,500, ये देखिए इधर को पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ है दोनों साइड।